ऑपरेशन गंगा के तहत तकरीबन सैकड़ों स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकाला गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अब उन्हीं जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो या चाहे वो अलग कोई पढ़ाई कर रहे हो, उनका कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो खतरे में मंडरा रहा है, ऐसा कहना है उन्हीं स्टूडेंट्स का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो यूक्रेन से स्टूडेंट वापस भारत आए थे वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आखिर उनकी क्या कुछ मांगे हैं, कैसे जो उनका भविष्य है वो अंधकार में पड़ रहा है, बातचीत करेंगे कुछ। क्या नाम है मैम आपका? अनीशा कुमारी। मैम यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, मांगे कुछ लेकर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि आपका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा, आखिर कैसे चला? हमारा ट्रांसफर अलाउ नहीं हो रहा है और हमें बोल रहे हैं इस कंडीशन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट बोल रही है हमें, बट हमें ट्रांसफर चाहिए ताकि हम अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे हम ऑफलाइन कर सके। और ये लोग गंगा तहत के हमें यहाँ तो लाए तो थे बट हमारा एजुकेशन का कुछ भी नहीं। और एमबीबीएस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो क्लिनिकल होता है और वो हमारी हो नहीं रही है, और गवर्नमेंट हमें कह रही है कि हम इस कंडीशन में आपको हम कहीं नहीं भेज सकते और हमें किसी और भी कंट्री में ट्रांसफ़र चाहिए। तो वहाँ यूक्रेन और बाकी कंट्रियों का भी पैटर्न सेम होता है ताकि हम अपनी स्टडी वापस कर सकें कंटिन्यू। तो सरकार की तरफ से आखिर आपको क्या बोला जा रहा है, क्यों आप लोग जो है वो ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसा कोई नियम है या क्या है? वो बोल रहे हैं इस कंडीशन वहाँ पे वॉर चल रही है इसलिए हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो यूक्रेन में चल रही है, आप यूक्रेन के अलावा किसी और देश में जाना चाहते हैं? वहाँ पे हमारा 2021 FMGL के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि एक लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसफर अलाउ ही नहीं कर सकते, तो हम लोग किसी और कंट्री में ट्रांसफर भी नहीं ले सकते हैं। तो दो साल से आप लोगों की यानी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? यस। तो आप क्या मांगे आपके इसको लेके, जो मांगे हैं आपने जो बताया इसको लेकर आप कभी क्या आप MHA गए या आपने किसी कंसर्न अथॉरिटी से बात करी? हमने सब जगह NMC वगैरह सब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जगह हमने लेटर पोस्ट किए, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम? ईशा चित्रांशी। आप बताइए क्या कुछ आपके मांगे और कौन सी पढ़ाई के लिए आप गई थी यूक्रेन? मैं MBBS के लिए गई थी लेकिन अभी ट्रांसफ़र अलाउ नहीं वो लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के बस यही मांगे कि वो हमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दे दूसरी कंट्री में। अच्छा, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि दूसरी कंट्री में भी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्या कह रही है सरकार, क्यों नहीं हो पा रहा? वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग अंडर 18 November FMGL 21 के अंडर आते हैं इसलिए हम लोगों को वो वैलिड नहीं है, लेकिन अगर NMC चाहेगी या इंडिया की गवर्नमेंट चाहेगी तो हमें अलाउ हो जाएगा ट्रांसफ़र, और हमारी बस यही मांग है कि हम लोगों को ट्रांसफ़र अलाउ हो जाए। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता तो ऑनलाइन के ज़रिए आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपकी वो पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती? MBBS अगर ऑनलाइन बैठे सारे लोग कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, क्लिनिकल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो क्लिनिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को चाहते हैं कि हम दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ पे हम अपना क्लिनिकल कंटिन्यू किए, क्योंकि सेकेंड ईयर तक चल रहा था कि क्लिनिकल नहीं है चलेगा, लेकिन थर्ड ईयर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लिनिकल करना। आप दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं, क्या आप लोग हिंदुस्तान में रह के इंडिया में रह के अपनी जो मेडिकल की पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर सकते? नहीं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन नहीं, अगर आप यहाँ पर ही आपको एडमिशन मिल जाता है? नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि हमें दूसरी कंट्री में मिल जाए, वरना जो दूसरे बच्चे हैं फिर वो हम लोगों के अगेंस्ट बोलेंगे, इसलिए हमने ये नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि हमें बस ट्रांसफ़र अलाउ हो जाए। कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो अपनी मांगे लेके आए हैं, कितने लगभग टोटल कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स हैं। मैम आपका क्या नाम है? काव्य। आप बताइए आप भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, आपने कभी कंसर्न अथॉरिटीज से बात करी? हाँ, बहुत सारे मैसेजेस और मतलब लेटर वगैरह लिखे हैं बच्चों ने, कल भी काफ़ी लेटर सेंड किए हैं बच्चों ने, हमारी यही मांग है कि हमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दे दूसरी कंट्री में बस। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं सुनती है, जैसा आप कह रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया आपको लेटर्स लिखते हुए, तो फिर क्या कुछ करेंगे आप, अगले कदम क्या रहेंगे? तो फिर कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो यानी लड़ाई जारी रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आज प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है? अरमान। अरमान जी बताइए, जैसे अभी हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की है, महिला छात्र हैं, उन्होंने कहा कि वो दो साल से अपनी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो बाहर जाकर यानी किसी और कंट्री में जाके करें, क्योंकि यूक्रेन में अभी भी लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार का एक नियम है वो आप लोगों को रोक रहा है। ये हाथ में है कि इसमें पहले दिया गया था ट्रांसफ़र कि बरसतों की ऐसे मामले में जहाँ केंद्र सरकार को युद्ध, सिविल उपद्रव, बगावत, आंतरिक युद्ध की स्थिति या किसी ऐसी स्थिति की सूचना दी जाती है जिसमें भारतीय
नागरिक का जीवन संकट में है और ऐसी सूचना उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी गई है जो तो प्रतिशत विदेश में स्थित उस संस्थान से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की शर्त में छूट देगी जिसके संबंध में उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से सूचना प्राप्त हुई है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि पहले भी ट्रांसफ़र अप्लाई किया गया था, जैसे 2014 में लुगांस रीजन में और डोनास्क रीजन में लड़ाई हुई थी, उस टाइम हमें एक्सेप्शन दी गई थी कुछ स्टूडेंट को ट्रांसफ़र के लिए। हम भी वही चाहते हैं कि भी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भी अगर एम्बेसी बता देती है कि वहाँ पे लड़ाई की स्थिति है, यहाँ पे हमारी जान को खतरा है, तो हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि भी हमें ट्रांसफ़र दे दिया जाए, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम उस वॉर वाली कंडीशन में नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि भी हम दूसरे देश में मरने से अच्छा है कि भी अपने देश में ही मर जाए, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस हमारा ट्रांसफर अप्लाई कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये वो कुछ स्टूडेंट्स थे जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे। इनकी मांग यही है कि सरकार इनको ऑपरेशन गंगा के तहत वापस हिंदुस्तान भारत तो लेकर आ गई, लेकिन इनकी जो पढ़ाई है वो 2 साल से लगातार ऑनलाइन जो है वो चल रही है। अब इनका कहना है कि फाइनल ईयर में ये पहुँच चुके हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो इनका कहना है कि इनको जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो ज़्यादा करने की अब ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो पाएगी। लेकिन यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो अभी तक थमा नहीं है, तकरीबन 1.5-2 साल का जो समय है वो बीत चुका है। तो इनका कहना है कि दूसरे देश में इनको ट्रांसफर दिया जाए, हालांकि सरकार का एक नियम है उसके तहत इनको जो 2021 के बैच के बाद के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी यही मांग है कि सरकार इनको ट्रांसफर दे, नहीं तो इनका जो भविष्य है वो अंधकार में जाता हुआ इनको दिख रहा है। बहरहाल अब सरकार इनकी मांगे कब तक सुनती है ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्ज्वल कुमार, JK247 न्यूज़, दिल्ली।